नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। कुंडली में पंचम भाव को संतान भाव कहा जाता है। पंचम भाव जितना अधिक बलवान होता है व्यक्ति को संतान सुख उतनी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिनकी कुंडली में पंचम भाव अशुभ होता है उन्हें संतान सुख के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। दरअसल कुंडली में ग्रहों की दशाएं देखकर ये आसानी से पता लगाया जाता है कि आपके जीवन में संतान सुख है या फिर नहीं है। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, पंचम भाव पर आपकी टिप्पणी लूं उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर इस वक्त मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, नंबरों को आप नोट कर लीजिए। नंबर एक बार आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर आप अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। पहला नंबर 0120-7153-787 और जो दूसरा नंबर इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो है 0120-7153-826। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सवाल पूछने से पहले अपना नाम, जन्म का स्थान, जन्म का समय और तिथि जरूर जो है महाराज जी को बता दें, उसके बाद जो है आप अपना प्रश्न पूछिए। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि पंचम भाव आज का टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा इस पर आप जो है प्रकाश डालिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है इतना। देखिए, कुंडली के पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं जी, और पंचम भाव जितना अधिक बलवान होता है व्यक्ति को संतान सुख उतनी ही आसानी से प्राप्त होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में आशीष जी पंचम भाव अशुभ होता है उन्हें संतान के सुख के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जीवन का संतान के बिना सुख अधूरा माना जाता है। जिस घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती वो घर तो सुना सुना ही रहता है। ऐसे में पंचम भाव को विशेष रूप से देखा जाता है और पंचम भाव विद्या का भी केंद्र है, सुख का भी केंद्र है। पंचम भाव आपकी मान प्रतिष्ठा वैभव को भी बढ़ाता है। इसलिए पंचम भाव यानी आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए संतान सुख के साथ साथ अत्यंत आपको प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला, विद्या देने वाला, मान सम्मान देने वाला घर है, जिससे आपको यदि ये पंच भाव ठीक होता है तो आसानी से सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में ये पता चले कि संतान सुख नहीं हो रहा है तो उन्हें पंचम भाव को टटोलना चाहिए। और फिर उसका एक ही इलाज है और वो है संतान गोपाल के पाठ करना। संतान गोपाल यह तो बहुत ही सरल चीज है, लेकिन आप ये मानिए कि संतान गोपाल जो लोग पाठ करते हैं उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। इसलिए पंचम भाव को जरूर जन्म पत्री में देखना चाहिए और दिखाना चाहे। जी तौर पर, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा महाराज जी, चूंकि कहा जाता है भाई कुंडली में अगर पंचम भाव जितना ज्यादा मजबूत होगा उतने ज्यादा जो है इसके लाभ होंगे, अब ऐसे में क्या उपाय इसके लिए किया जाए महाराज जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को जन्म पत्री में पंचम भाव का पूर्णतः लाभ नहीं हो पा रहा है जी, या ग्रहों का दोष है, या कह सकते हैं कि ग्रह काफी वो हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गोपाल सहस नाम के पाठ करने चाहिए। और गोपाल सहस नाम के जो लोग पाठ करते हैं उन्हें फिर अनेक अनेक प्रकार से संतान का सुख मिलता है, मान सम्मान यश कीर्ति का लाभ मिलता है। जाहिर तौर पर अब कुछ कॉलर्स का रुख हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। इस वक्त हम लोग आपको सुन रहे हैं। हेलो जी। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत्सत नमस्कार है।
जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी मेरा ये प्रश्न है, मैं दो चीज पूछ रहा हूँ आपको आज, कि आज शुक्रवार लक्ष्मी जी का बार है, तो मैं माँ लक्ष्मी का नारियल आज के दिन रख तो शाम के समय, और उनका ये तुलसी की जड़ तुलसी की लकड़ी से उनके अगर बत्ती कर दूं शाम को, तो ये कैसा रहेगा आज के दिन, इन दोनों का बताइए मुझे। देखिए आपने बहुत ही उपयुक्त चीज सोची है और ये बिल्कुल सही बात है, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन होता है, इसलिए आपने जो विचार आपके मन में आए हैं, भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही करणम, भगवान को भाव से ही तो पूजने पर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आपका ये मन और दिल और आपका कार्य करने का विचार जो है परफेक्ट है, आप इसे कीजिए, मूत्र दीजिए, अवश्य इसका आपको हर किसी रूप से लाभ प्राप्त होगा। जाहिर तौर पर जो अगले कॉलर है, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी, मैं अपने बच्चे शुभम के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, 10-1 संतान और जन्म है जी, उस बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं बच्ची देखनी है। हेलो जी, सुन रहे हैं आप, बोलिए, उनका टाइम बोलिए, शहर बताइए। बच्ची देखना चाह रहा है, इतने दिन तो वो तैयार नहीं था, अब तैयार हो रहा है शादी के लिए और IAS तैयारी कर रहा है, उसमें उसकी लाइफ कोई बच्चे मिल जाए तो। आप ये बतलाइए उनका समय क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय क्या है, समय क्या है, शहर क्या है, समय दिन का 1:30 बजे पंडित जी, और शहर कौन सा, कौन से शहर में जन्म लिया है, राजस्थान। हाँ अब ठीक है, देखिए आपके बच्चे का यहाँ सबसे पहले तो बहुत आशीर्वाद, मेष लगन में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, केतु का अंतर है, राहु का प्रतिमित्र है, राहु इनके छठे घर में बैठा हुआ है, राहु ग्रह नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण और शनि और मंगल के साथ होने के कारण ये इनके कार्य को व्यवधानित करता रहा, राह से भटकाता रहा, इनके कार्य को नहीं बन देने की पूर्ण प्रयास करता रहा। अब चूंकि राहु में केतु जो आया है ये इनको थोड़ा लाभ देगा, ऐसे में आप इनको बता दें कि इनकी सरकारी नौकरी ये IAS जरूर बनेंगे, क्योंकि नीच राज भंग योग बन रहा है, बृहस्पति नीच के कर्म भाव में बैठे हैं और वहां चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इनको गजकेसरी योग बना हुआ है और ऐसे जातक को निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगती है, और आपको बता दें कि ये प्रशासनिक सेवा में जाएगा और सरकारी नौकरी पूर्णतः इनको लगने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी हो रहा है, नवम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, नवम भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है, ऐसा सूर्य बलि ग्रह है, जब इनको संयोग कर रहा है और सूर्य धनु मित्र राशि में बैठा है तो इनकी ज्ञान की अभिवृद्धि में कोई रोक नहीं सकता। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको आपके बेटे, इनका एक काल सर्प दोष निवारण करवाइए, चांदी के तांबे के लोहे के नाग नागनी आप कृपा करके शिव मंदिर में शिवलिंग पर बुधवार के दिन चढ़ाने के लिए कहिए, अवश्य इनको लाभ हो रहा जी। बहुत आभार आपका महाराज जी। मैं चाहूंगा कुछ और कॉलर जो है वो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी, जी हाँ जी, मेरा नाम विकास कुमार है जी, राजकुमार जी। हेलो, हाँ मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे जीवन में कितनी संतान सुख है, अपना डेट ऑफ बर्थ समय और तारीख से बताइए। डेट ऑफ बर्थ है नहीं, 18/8/1987 और 18/8 जन्म स्थान है जुम्मनू, शहर क्या है, शहर क्षेत्री जुम्मनू, समय क्या है, समय तो सर याद नहीं मुझे, फिर एडजेक्ट कैसे निकालेंगे प्रभु,
आपकी लगन, आपने सिंह लगन में जन्म लिया है, आपको बृहस्पति यहाँ नवम भाव में बैठा है, बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। पंचम भाव अष्ट भाव का स्वामी हो रहा है, नवम भाव में स्थित है, गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, इसलिए वृष राशि में चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव संतान तो आपको अवश्य देता है, लेकिन थोड़ा परेशान करके या थोड़ा देरी से, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको संतान अवश्य होती है, लेकिन ये संतान आपको बहुत आज्ञाकारी और लाभप्रद रहेगी, और इसके लिए आप गोपाल सहस्त्रनाम के प्रतिदिन पाठ करें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आपको उत्साह के साथ होना चाहिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं, आप गोपाल सहस्त्रनाम के प्रतिदिन पाठ कीजिएगा राजकुमार जी। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना प्रश्न पूछिए महाराज जी से। मैं अजमेर से अमर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं मेरे पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अजमेर से अमर सिंह बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार, आपकी जन्म तारीख, समय और शहर बताइए। मेरे पुत्र का नाम विक्रम सिंह है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई, जन्म तारीख है 28 जुलाई, जन्म 28 जुलाई 1989 है। समय 1989। समय बोलिए, आप रिपीट मत कीजिए, समय बोलिए, आप सुन रहे हैं आप। और समय है दिन के 12:30 बजे। शहर बताइए। शादी नहीं हो पा रही है, 30 साल का हो चुका है। देखिए आप बच्चे के लिए, आप 89 बोल रहे हैं, 89 से बच्चा 33 साल का हो गया है, और आपको बताएं कि यहाँ बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति इनका भाग्येश में बैठा हुआ है, गुरु तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी होकर के, और गुरु इनको काफी संवेदनशील बना रहा है। इनकी शादी तो हो जानी चाहिए थी, शादी हो जानी चाहिए थी, और ये या तो समय गलत बता रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहे हैं, शादी हो जानी चाहिए, इनके तो संतान भी होनी चाहिए, दो संतान, और इसमें ठीक नहीं है। आप कल पूछिएगा, क्योंकि ये जन्म तारीख ठीक नहीं बताई आपने, 28 जुलाई 1989 बताया, 89, और वही आपको बता दें कि आपका बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको जी, आगे बताइए। जाहिर तौर पर और यही आपसे निवेदन है कि जब भी आप तारीख, समय बताएं, शहर बताएं, तो वो सुनिश्चित कर लें कि वो सही हो, ताकि जो है आपको सही से जवाब महाराज जी दे पाए। अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय सही से बताएं और अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। 24 जुलाई 1984 गाजियाबाद पीएम, और नाम है कनिका, 147 दिन का है या रात का है? दिन का दोपहर का पीएम। क्या जानना चाहते हैं आप? शादी नहीं हो रही अभी तक। देखिए ये बात सही है, तुला लगन में जन्म लिया है, मांगलिक आप है, अंगारक योग इस जन्म पत्री में बन रहा है, बृहस्पति की महादशा है, और बुध का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है, ये शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ काफी तैयारी और काफी परिश्रम करने के बाद भी इस लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप इस बच्चे का प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए प्रेरित करें, और ये करने के बाद इनकी शादी होती है और इनके लाभ भी होता है, अवश्य इनको लाभ होगा। इनकी शादी 2023 में ही होती है, और 2023 में अप्रैल के करीब बनेगी, पहले किसी एन नाम की या ए नाम की लड़की से इनका रिश्ता कंफर्म जैसी स्थिति में होना चाहिए था। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, गन्ने का रस प्रतिदिन भगवान शिव को अर्पण करने के लिए कहें, अवश्य लाभ होगा जी। तो अगले कॉलर, आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं कॉल लेने की, जो हमारे समय होता है उसमें हिसाब से, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। नमस्कार जी, प्रश्न पूछिए। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी, मेरे अच्छे साल में नौकरी लगेगी,
जी जी मुझे किस समय मेरी नौकरी लगेगी? मेरा नाम दिनेश टेलर है। दिनेश टेलर 28/11/90 जन्म सुबह 8 बजे। ठीक है, शहर कौन सा है? शहर कौन सा है? देखिए, इसमें जो आप नौकरी की बात कर रहे हैं, ये सही बात है कि आपकी नौकरी का सहयोग यहाँ पूर्णतः बन रहा है। और केतु आपका नवम भाव में बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है और ये नौकरी आपकी 15/3/2023 के बाद संभावना होती है। आपको प्रतिदिन गायों को चारा देना चाहिए और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। नौकरी आपकी 2023 में ही और मार्च के बाद संभावना होती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए महाराज जी, अब राशियां समझ लेते हैं आपसे कि किसकी राशि आज क्या कह रही है। हाँ देखिए, ये बात सही है कि हमारा प्रतिदिन राशि फल के लिए प्रत्येक दर्शकों को बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ देखने का मन होता है। इसीलिए सुबह लाखों लाखों की संख्या में इस प्रोग्राम को देख करके अपना भविष्य जानते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी के चलते सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज के दिन घर का माहौल धार्मिक देखने को मिलेगा। वहीं कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आपके घर में होने के संकेत दिखाई देते हैं। आज शाम के समय घर वालों के साथ मंदिर जाने का कार्यक्रम भी आपका बन जाएगा। और भाई, हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों, मन में किसी बात को लेकर आज आपको चिंता जरूर रहेगी। आप तनाव में रहेंगे, स्वभाव थोड़ा गुस्सैल आज आपका रह सकता है। इसीलिए किसी के साथ वाद विवाद में पड़ने से आज आपको बचना चाहिए। और भाई, हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को आज खास तौर पर MBA मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ठीक रहने वाला है। उन्हें कहीं से अच्छे जॉब का ऑफर मिल सकता है। इसीलिए अपने चारों ओर आज आपको सावधान रहना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज कहीं निवेश करने का यदि आप सोच रहे हैं तो पहले इस अच्छे अवसर पर विचार विमर्श करके आप आगे बढ़ें और आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि सोच समझ करके पैसा लगाएं, नहीं तो पैसा डूब सकता है, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए और घर का बना हुआ आहार ग्रहण करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के हित में रहेगा। वहीं पारिवारिक गतिविधियों में आज काफी प्यार प्रेम स्नेह दिखाई देगा। और भाई, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में आप हैं तो आज आपके रिश्तों में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपका धैर्य से काम लेना अति आवश्यक है, अन्यथा रिश्तों में दूरियां आपकी बढ़ जाएंगी और ये आगे जाकर के आपको टकराव में, संकट की घड़ी में जो ये विचार डाल देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग। आज आपके घर में मेहमान आदि का आना हो सकता है, ज्यादातर समय उनकी आवभगत में ही आज आपका खर्च होगा। छात्रों को ज्यादा मेहनत करने की आज आवश्यकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप तो आपको अपने ऑफिस में
किसी बात को लेकर के डांट पड़ सकती है और ऑफिस में आपको लेकर नकारात्मक माहौल आज रह सकता है। इसलिए अपने सोच में सकारात्मकता के साथ सम्मान देते हुए सभी को साथ लेकर चलेंगे तो आपके हित में रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के, आज विवाह को कुछ समय यदि आपका हो गया है, आज के दिन आप दोनों के लिए बहुत शुभ समय, इसीलिए अपने जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग, यदि आप कॉलेज में हैं तो आज आपके दोस्त किसी बात को लेकर आपको दोषी ठहरा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और किसी भी बात को बोलने से पहले सोच करके बोलें, यही आपके हित में रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग, व्यापार में लाभ तो जरूर मिलेगा लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से आज आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है। बाजार में आपके नए शत्रु भी आज दिखाई देंगे जो आपका अहित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके अपनी वचन भी बोलने का प्रयास करें। परिवार के लिए काफी चिंतित आज आप नजर आएंगे जो आपके लिए ठीक है। और भाई आप बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग, आज के दिन आपके ऊपर मंगल काफी भारी हो रहा है, इसलिए सुबह के समय सफेद रंग के गाय को आप अपने हाथ से रोटी जरूर, इससे संकट टल सकता है, सावधानी पूर्वक देखना कहीं गाय को नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, आपने आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उसके बारे में पूरी जानकारी दी और उसके बाद में आपने तमाम राशियों को भी बताया, सभी दर्शकों को बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जी शुभ प्रभा, शुभ आशीष, जय श्री राम। चलिए आज के लिए भागफल में इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।